इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने सीबीआई से स्पष्ट पूछा है कि हाथरस कांड की जांच कितने दिन में पूरी हो जाएगी। दरअसल इस मामले में कोर्ट ने 2 नवंबर को सुनवाई की थी और अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था, जिसे सीबीआई ने आज जारी किया। कोर्ट ने अगली सुनवाई पर विवेचना की स्टेटस रिपोर्ट भी तलब की। जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस राजन राय की बेंच ने हाथरस मामले पर स्वतः संज्ञान लिया था। कोर्ट ने जारी आदेश में 2 नवंबर को हुई सुनवाई प्रक्रिया को भी दर्ज किया है। कोर्ट के समक्ष आरोपियों की ओर से एक प्रार्थना पत्र भी रखा गया था, जिसमें खुद को पक्षकार बनाए जाने की बात की गई थी। कोर्ट ने इसे निस्तारित करते हुए कहा कि वर्तमान मामले में कोर्ट 2 बिंदुओं पर सुनवाई कर रहा है। पहला, सर्वोच्च न्यायालय के 27 अक्टूबर के आदेश के अनुपालन में विवेचना की मॉनिटरिंग और दूसरा मृतका के अंतिम संस्कार का मुद्दा है, और दोनों ही मुद्दों पर आरोपियों को सुने जाने का कोई अधिकार नहीं है, लिहाजा वे इस स्तर पर आवश्यक पक्षकार नहीं है। हालांकि कोर्ट ने ये भी स्पष्ट किया कि यदि किसी प्रकार से उनका अधिकार प्रभावित होते हैं या प्रभावित होने की संभावना होती है तो उन्हें सुनवाई का अधिकार प्राप्त होगा। आरोपियों की ओर से एक प्रार्थना पत्र मीडिया ट्रायल को लेकर भी था, उसे भी कोर्ट ने निस्तारित किया। कोर्ट ने कहा कि हमने 12 अक्टूबर के अपने आदेश में मीडिया और राजनीतिक दलों को निर्देश दिया था कि वो कोई ऐसा विचार न प्रकट करें जिससे पीड़िता के परिवार और आरोपियों के अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पड़ता हो। कोर्ट ने कहा कि इसके अतिरिक्त किसी दूसरे निर्देश की आवश्यकता नहीं है। हालांकि यह जरूर स्पष्ट किया कि यदि पीड़िता के परिवार अथवा आरोपियों के अधिकारों पर प्रभाव डालने वाली कोई बात आती है तो हम उसका अवश्य संज्ञान लेंगे। साथ ही जिलाधिकारी हाथरस प्रवीण कुमार के संबंध में कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि विवेचना के दौरान क्या उन्हें हाथरस में बनाए रखना निष्पक्ष और उचित है। कोर्ट ने कहा कि हमारे समक्ष जो प्रक्रिया चल रही है उसमें हाथरस डीएम भी है, क्या ये उचित नहीं होगा कि सिर्फ निष्पक्ष और पारदर्शिता के लिए इन प्रक्रियाओं के दौरान उन्हें कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए। इस पर राज्य सरकार के अधिवक्ता ने कहा कि अगली सुनवाई पर वो राज्य सरकार के रुख को स्पष्ट करेंगे। यानी हाई कोर्ट चाहता है कि सीबीआई इस मामले में जल्दी और स्पष्ट जांच करे और साथ ही हाथरस के डीएम को भी हटाया जाए। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।